पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में हरेली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरेली त्योहार के आयोजन आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय, गांव-गांव, तहसील ब्लॉक मुख्यालयों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कई शासकीय आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा कराए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस द्वारा हरेली का पर्व का आयोजन किया गया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई आयोजन कराए गए और उनमें शिरकत की। नगरपालिका चिरमिरी के अंतर्गत कई वार्डों में वृक्षारोपण, खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें शासकीय कर्मचारी एवं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संबंध में विधायक ने उपस्थित आम सभा को संबोधित करते हुए हरेली का पर्व का महत्व बताया कि आज हमें हरेली का पर्व क्यों मना रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने कहा, गांव विकास खंड के ग्राम बांद्र में आयोजित लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर ग्राम बांद्र के महिला समूह द्वारा छत्तीसगढ़िया व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए और कई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिनमें शासकीय कर्मचारी, जिला प्रशासन, जिला पंचायत के कई वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस उत्सव में सम्मिलित होने पर बांद्र पहुंचे गए। सीताराम मंदिर के पास वृक्षारोपण करते हुए 35 नंबर वार्ड के पार्षद प्रेम शंकर सोनी ने बताया कि सीताराम मंदिर के पास वृक्षारोपण क्यों किया गया, इस मंदिर की क्या विशेषता है, इस बारे में मीडिया को बताते हुए उसने मंदिर की विशेषताएं बताई। इस संबंध में मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने इस मंदिर में अपनी कामना की थी, आज वह इस मंदिर की देन है जो विधायक बने हैं। इस संबंध में प्रेम शंकर सोनी, पूर्व पार्षद, ने मंदिर की कई विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस मंदिर काफी लोगों को यहां से मनोकामना पूरी होती है। जल स्तर का जो गिरावट हो रहा है, जहां पानी पहले 4 फीट में निकलता था, 10 फीट में निकलता है, आज ये स्थिति हो गई है कि 400-400 फीट में पानी नहीं है। भूजल स्तर हमारा पूरा डाउन हो गया है। वृक्ष क्या करेंगे, पेड़ क्या करेंगे, आप बहुत सारे पेड़ लगा देंगे तो पेड़ की प्रकृति क्या होती है कि वो जमीन को बांध के रखता है। आप समझिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा आप लोग को लेक्चर नहीं दूंगा, बहुत ही सरल शब्द में समझाना चाहता हूँ कि अगर एक नॉर्मल जमीन है ना, तो उसमें जल का संरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जमीन में चार अगर पेड़ लगे रहेंगे तो पेड़ की प्रकृति क्या होती है कि उसको पूरे जो जमीन है उसको जकड़ के रखता है। जकड़ के रखने से क्या होता है, वर्षा का जो जल है वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, मतलब जमीन के अंदर जाएगा। जमीन के अंदर पानी जाएगा तो क्या होगा, भूजल स्तर जो है ऊपर आएगा। और भूजल स्तर ऊपर आने से हमको पीना, आज देखिए ये कितने का मिलता है। जब हम लोग आपके बराबर थे, छोटे बच्चे थे, जब हम लोग की उम्र आप लोगों के बराबर थी जो उधर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि भारत में पानी बिकेगा। जब यज्ञ हुआ था, यज्ञ के बाद जब वो हो गया रहा, तो बाबूजी हमारे यहाँ एक कुटिया बना के और प्रभु श्री राम जी का फोटो रख कर और पूजा अर्चना करते थे, जिसमें हमारे यहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। पानी के मौसम में छाता लगा के प्रभु राम जी का भजन कीर्तन करती थी। आज जनताओं के सहयोग से ही प्रभु श्री राम जी का यहाँ वास हुआ है और यहाँ जो भी आते हैं उनकी हर मनोकामना प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा से पूरा होता है। इसे पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली के नाम से प्रसिद्ध किया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पहले से भी हरा भरा है, उसको और हरा भरा बनाने के लिए, पर्यावरण को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए, इस दिशा में काम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने ये प्रयास प्रारंभ किया है। ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने, जो कांग्रेस की सरकार ने जो इस क्षेत्र को नियुक्त किया, जो भी चुना है इस क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिए, क्या और भी जगह वृक्षारोपण हो रहे हैं क्या चिरमिरी में? पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है ये वृक्षारोपण, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर मनेंद्रगढ़, हर विधायक को जिम्मेदारी दी गई है और हर माननीय विधायक और माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में जाके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर गांव में, हर शहर में वृक्षारोपण का काम आज चल रहा है।